दोस्तों हमारे पास है एक सेट जियो का, आप देख रहे हो जिसके अंदर सीपीयू निकाला हुआ है। ठीक है, और उसका सीपीयू जो कि रिबॉल हो चुका है, जो सीपीयू लगाने जा रहे हैं हम आपको एक बार हम सीपीयू रिबॉल करने के बाद बता दे रहे हैं। देखो ये रिबॉल हो चुका है मेन सीपीयू, आप देख सकते हो दोस्तों ये रिबॉलिंग हो चुका है। ठीक है, अब इसे हम लगाने जा रहे हैं बोर्ड में, सीपीयू लगाने जा रहे हैं। इधर देख लो जी, एक दफा आप अपना चेहरा तो दिखा दो, कौन भाई हो, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। कहाँ महाराष्ट्र? नागपुर। नागपुर, क्या नाम है? पुण्यश्री कोटांगले। कितने टाइम से काम कर रहे हो सर? मैं तो 5-6 साल से काम पर आईसी वगैरह का काम नहीं किया था, बस यहाँ आके आईसी का भी पूरा रिबॉलिंग वगैरह बैठा, यहाँ आके सीखे हो? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? हाँ सर, अभी मैंने वो सीपीयू निकाला था, उसको रिबॉलिंग करके फिर से लगा दिया हूँ अभी। हाँ? बस ये फोन अभी चालू हो रहा है कि नहीं निकाल के अपन चेक करेंगे। अच्छा, तो सीपीयू लगाने के बाद एक बार दिखा दो। हाँ ठीक है, करीब लाओ थोड़ा। ओके, ये इसका मॉडल नंबर है अपन ने जो निकाले थे उसका। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो LCD लगी हुई है अभी? नहीं नहीं नहीं, तो लगाओ, बस लगाना है, लगा के दिखाओ मैं चालू करके। हो गया, डिस्प्ले लगा, LCD लगा दिया। अरे सर, ठीक है, शायद बैटरी डाउन हो सकती है, पर एक बार बैटरी से लगा के देखेंगे, तो ओके, मशीन पे चालू करके देखेंगे। एक तो काट के रखना पड़ेगा, 10 रुपए भेज दे काट के। ओके, दिखा दो। चलो चलो, बढ़िया, चाबी डन। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कभी ऐसा काम किए थे? नहीं नहीं नहीं, बस पहली बार लगाया और ये चालू हो गया। इसकी फोटो खींच के रखेंगे अभी। कितनी बार प्रैक्टिस किया आपने अभी? कितनी हाँ? बार ये सीपीयू निकाल के लगाया? अभी तो ये फर्स्ट टाइम है, दूसरे फोन में निकाल के लगाए थे। तो आपने एक सीपीयू को निकाल के उसको चालू किया, कैसा रहा शुरू हुआ थ्रू आउट एक्सपीरियंस बताओ अपना। हार्डवेयर भी किया आपने, सॉफ्टवेयर भी किया, और आप EMG का क्लास भी कर रहे हो? हाँ सर, इसके पहले यहाँ आने से पहले मैं IC कभी लगाया भी नहीं था कोई भी मोबाइल में। यहाँ पहले दिन आके मेरे को रिबॉलिंग वगैरह का पूरा नॉलेज मिला, फिर उसके बाद में प्रोग्रामिंग वगैरह का, फिर अभी IC निकाल के कोई भी IC, CPU IC, EMC IC, कोई भी पावर IC वगैरह निकाल के मैं लगा सकता हूँ और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और हार्डवेयर की बात करो तो ट्रेसिंग बनेगी यहाँ पर? ट्रेसिंग वगैरह सब कर सकते हैं, कर सकते हैं, फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर का काम सीखा आपने यहाँ पे पूरा? हाँ सर, सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का दोनों काम पूरा कंप्लीट पूरा कर किया आपने। हाँ, तो अभी आपको किसी भी मोबाइल में देंगे स्पीकर की लाइन हो या चार्जिंग की लाइन हो, उसको ट्रेस कर लोगे आप यहाँ पर? हाँ सर, बिना सर्किट डायग्राम के। हाँ सर, आपको कंपोनेंट की नॉलेज, सीरीज पैरेलल ये सारी नॉलेज है यहाँ पर? हाँ सर, सीरीज पैरेलल कंपोनेंट का पूरा वैल्यू, पूरा वैल्यू का कौन सा सेम कनेक्टर में कहाँ पे क्या रीडिंग आएगी, सब का नॉलेज है आपको। तो कैसा लगा इसे टेलीकॉम में, क्या आपने जो सोचा था वो सही सोचा यहाँ आने के बारे में? हाँ सर, बिल्कुल सही किया, क्योंकि मेरे को मतलब घर में थोड़ा विरोध था, पैसा का एडजस्ट नहीं हो रहा था, पर मैं अपने मन से मतलब यहाँ की व्यू देखा और आया, तो बिल्कुल सक्सेस है सर। तो यहाँ यहाँ पे क्यों आए, कहाँ से हो वैसे आप? सर महाराष्ट्र गोंदिया जिला। वहीं पे क्यों नहीं गए महाराष्ट्र में, दूसरी जगह पर, यहाँ क्यों आए, इंडिया में से हमें क्यों चुना? सर मैंने यहाँ के व्यू देखे, बहुत दिनों से देख रहा था मतलब कहाँ से,
और पैसा मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब आप यहाँ यहाँ अब व्यू देख के मैंने पूरी हिम्मत जुटाया, मतलब हमारे जो पहले के रिव्यू देखे आपने? हाँ सर, जैसा आप बता रहे वैसे ही दूसरे बच्चों के। हाँ सर। अच्छा ये बताइए फेक होता है कि ये क्या होता है यहाँ पर? नहीं सर फेक नहीं, पूरा रियली होता है, रियली प्रैक्टिस होती है, रियली सब समझा के। क्योंकि आप ऐसा मेरे लिए क्यों बोलोगे, रीजन बताओ आपने? हमारे मन में मतलब हमको जो ज्ञान मिला है, जो नॉलेज मिला है, हम उसी के ऊपर बोलते सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? हाँ सर पूरी तरह से। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है। तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली। इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो वो अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे। तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिल गई। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से। हाँ वीडियो देख के नॉलेज देते। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। और इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब। हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब जब ये भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है क्या ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें अगर अभी जो हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया
और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई, ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.